क्या आपकी शादी हुई है? शादी करते वक्त आपने 7 फेरे लिए थे या पूरे रीति रिवाज तो फॉलो किए होंगे ना? अगर आपने नहीं किए तो सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले के हिसाब से आपकी शादी इलीगल मानी जा सकती है। एक रीसेंट फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन मैसी ने यह फैसला लिया कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो नहीं किया और या आपने 7 फेरे नहीं लिए तो वो शादी इलीगल होगी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि हम तो कोर्ट में जाके मैरिज रजिस्ट्रार से शादी करवाई थी तो उसका क्या? तो अगर आप हिंदू हैं तो वो भी शादी इलीगल मानी जा सकती है। कोर्ट ने ये कहा कि शादी विवाह आजकल एक धंधा बन गया है कि अपना टाइम बचाना है या पार्टी करनी है या ऐसे ही मजाक में शादियां की जा रही हैं। हिंदू विवाह जो है वो बहुत पावन है और इसे संभाल के रखने की जरूरत है, इसका मजाक ना बने, इसे संभालने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से शादी नहीं कर सकते। अगर आपको शादी करनी है तो सही रीति रिवाज से और सही ढंग से करनी है। आप कोर्ट में आके ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने ऐसे शादी कर ली या वैसे शादी कर ली। सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया जहां पर एक कपल ने डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन दिया और उसमें दोनों ने उस एप्लीकेशन में लिखा कि हमारी शादी तो सही ढंग से हुई नहीं, तो हमारी शादी को अमान्य डिक्लेयर किया जाए। कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए ये कहा कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ऐसा नहीं हो सकता कि जब मन किया शादी कर ली, जब मन किया डिवोर्स मांग लिया, जब मन किया शादी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अब आप कहेंगे कि ये पूरा मामला है क्या? तो ऐसा होता है, कई केसेस में देखा गया है कि लोग अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, जैसे किसी को US, UK, कैनेडा जाना है, तो उस एप्लीकेशन में दबाव बनाने के लिए अपनी शादियां करवा लेते हैं, ताकि अगर आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन में ये डालेंगे कि आपकी शादी हुई है तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो ये सोचेगा कि अगर इनकी शादी हुई है तो ये अपने देश वापस लौट आएंगे, ना ही कि वहाँ पर जाके एक इलीगल रेफ्यूजी बन जाएंगे। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर शादी करनी है तो सही ढंग से, सही रीति रिवाज से और सही प्रोसेस फॉलो करके किया जाना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट का आर्टिकल 7 का रेफरेंस दिया, जिसको आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं और इस पर अपनी अपनी राय बना सकते हैं। आप इस निर्णय पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमको बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और याद रखिएगा, दिन हो या रात, हमेशा दें न्याय का साथ। धन्यवाद।